हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जस्ट सो के उठे हैं और मुरवादी से पेंटर ले भैया का फ़ोन आया था कि कलर ख़त्म हो गया है, तो जाते हैं कलर लेके आते हैं और भैया को देते हैं कलर अभी, और वहाँ देखते हैं कि कितना काम अभी कंप्लीट हुआ है, क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा जल्दी काम करवाना है। और वहाँ भी अभी जैसे कुछ कुछ लेबर लोग हैं तो अभी छुट्टी उट्टी में भी थे वहाँ, तो अभी देखते हैं अभी वहाँ कितना काम हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुरवादी वाले दूसरे वाले घर पर जहाँ अभी पेंट का काम चल रहा है, और अभी छठ के दूसरा ही दिन है तो अभी तो उतना भीड़ नहीं है रोड में, क्योंकि अभी बहुत सारा दुकान ऐसा है कि अभी खोला ही नहीं है, तो अभी भीड़ बहुत ही कम है। अभी ऑफिस भी छुट्टी है, ड्यूटी अभी किसी को जाना नहीं है, प्लस अभी स्कूल भी अभी छुट्टी है, तो इसीलिए रोड अभी बहुत ही खाली खाली है। नहीं तो इस रोड पर इतना भीड़ रहता है ना, और अभी तो फिर ट्रैफिक जाम हो गया है, अभी सिग्नल बंद है। अब देखते हैं अब सिग्नल कब खुलेगा, कब वहाँ पहुँचेंगे। उनको अभी और भी कुछ काम है। जाएंगे यहाँ से अब लेफ्ट, और ये है यहाँ का रांची का निगम पार्क, जो कि बच्चों लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ बंद भी रहता है, पता नहीं किस किस दिन बंद रहता है। हम तो आज तक यहाँ पे आए नहीं हैं, आएंगे किसी दिन घूमने के लिए निगम पार्क। फ़िलहाल तो अभी कुछ काम पे जा रहे हैं, अभी काम से वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद ही कभी सोचेंगे, डिसाइड करेंगे यहाँ आने का। तो चलिए जल्दी जाते हैं अभी। मुरादाबादी का वो क्या दिन थे, जो यहाँ पे इतने सारे दुकान लगते थे, यहाँ इतना सारा क्राउड रहता था। हम लोग यहाँ खुद का यहाँ शाम का अड्डा था कि शाम में आना है, चाय पीना है, फ्रेंडों के साथ हंसी मजाक होते रहता था। तो अभी हम पहुँच गए हैं मुरादाबादी वाले घर पे। तो यहाँ चल रहा है अभी कलर का काम, देख सकते हैं पूरा अभी यहाँ पे कलर उलर हो गया है। यहाँ लगभग गेट उट को खाली कलर करना है, अब गेट हो गया, ग्रिल हो गया, लगभग अभी यहाँ का काम कंप्लीट हो ही गया है। तो बस बचा हुआ है गेट और ग्रिल। गेट और ग्रिल काम करने में हमको लगता है कि और एक सप्ताह लगेगा, और बाकी ग्राउंड में बहुत ज़्यादा ही बड़ा बड़ा घास हो गया है, तो उसको भी कटवाना है, उसको लास्ट में कटवाएंगे सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ जाएगा अभी एक साथ करवाएंगे। तो देखते हैं यार कब तक काम कंप्लीट होता है यहाँ का। तो देख सकते हैं ये है यहाँ का व्यू, बहुत ही बड़ा बड़ा घास हो गया है यहाँ। हम जा रहे हैं घर, अब भैया लोग को कलर भी दे दिए हैं, और अभी बहुत ही ज़्यादा ही धूप हो रहा है, हमको धूप के कारण भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो जाते हैं घर, फ्रेश होते हैं और घर लोग कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम आ गए हैं घर, अभी जस्ट अभी घर पहुंचे हैं, और बाहर तो लग ही नहीं रहा कि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, इतना बाहर गर्मी है ना। अभी पहले फ्रेश हो लेते हैं, बहुत ही थकान लग रहा है, पहले फ्रेश हो लेते हैं, फिर देखते खाना बना होगा तो खाना खाएंगे, बहुत ज़ोरों का भूख लग रहा है, पहले खा लेते हैं। तो देखते हैं अभी खाना में क्या बना है, क्या क्या सब्जी बना है, क्या सब्जी बना है? मूली आलू का सब्जी बना है, सरसों का साग बना है, अच्छा चावल बना है। तो चलिए पहले, बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है, पहले खा लेते हैं। तो अभी पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। काम धाम है नहीं इनको, वैसे भी बहुत बड़ा पेटू है, दिन भर खाली खाने के बारे में सोचते रहते हैं। तो भूख लगा तो भूख लगने तो खाना तो जरूरी है ना, क्या खाने को टूट पड़ते हैं एकदम। अच्छा, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, पहले खाना खा लेते हैं पहले।